फ्रेश अमरूद लेके आई हूं मैं। सर तो पहले मैं पील ऑफ कर लेंगे क्योंकि वैसे तो आप हरा इन पील ऑफ करने की लड़ नहीं होंगी, पर जब असं मार्केट वर्ग बनाने तो उन्होंने पील ऑफ करके इन्होंता हों कद्दूकस। वैसे तो पील ऑफ करने की लड़ नहीं होंगी पर आप इस करके पील ऑफ करा क्योंकि आप बिल्कुल मार्केट वर्ग बनाना है, ठीक है। तो फर्क ना लगे कि मार्केट का जूस है कि असी बनाया हुआ है, इस करके अपन पील ऑफ करना पेगा। तो एक बार ध्यान ना वेख लेना क्योंकि अमरूदा में ना हूँ बारिशों का मौसम चल रहा है तो अमरूद भी काफ़ी आ रहे हैं, कई बार जोड़े अमरूदा में कीड़े भी होंगे है ना, तो उन्होंने तुम वेख के पाना, ठीक है। अमरूद खाने के बहुत ज़्यादा फायदे ने, वो सारा पता होगा। तो बाकी बच्चों अमरूद जरूर दया करो क्योंकि बच्चों की जी भुख है अमरूद के नाल सैट होती है, ठीक है। आप पील ऑफ कर ले ते फिर मैं कटिंग कर देंगे आ जड़ी यदि जड़ जी ना इनू कट लेंगे। हम एक बार अमरूद कट लेंगे कभी ये कीड़ा ना होना पैदा ना। चलो जी बच गए, नहीं है साफ है अमरूद बिल्कुल। अमरूद को चंगी तरह चैक करके फिर पाना क्योंकि ये कई बार कीड़े भी होंगे ने। अमरूद खाने के नाल जी बच्चों की भुख जी बहुत ज़्यादा वधिया हो जाती है और पेट भी सैट रहता है। कई बार होंगे ना कि कुछ मदरस होंगे बहुत परेशान होंगे कि बच्चे खाते नहीं है, एवं कई बार मेरे को फोन भी आते हैं कि बच्चे खाते नहीं है। और रीज़न की होंगे कि असं उन्होंने प्रॉपरली डाइट नहीं दे रहे या जैसे एज के अकॉर्डिंग जी है जो चीज़ उन्होंने मिलनी चाहिए वो नहीं असं दे रहे हैं। कई बार पेरेंट्स को टाइम नहीं होंगे क्योंकि अज का टाइम जो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि साढ़े बच्चे वास्ते असं यह भी अरेंज कर लिए, भी अरेंज कर लिए। इस चक्कर जोड़े कुछ अरेंज करने के चक्कर कुछ भूल भी जाते हैं। सारे पील ऑफ करके आप चेक कर लेंगे। हम मैं इनू ब्लेंडर जार में पाऊंगी। ये जो इन्ने अमरूद है ना किलो अमरूद ने इनका बहुत ज्यादा जूस बनेगा। पहले थोड़े जो अमरूद मैं कर लेनी ब्लेंड कर लेनी फिर उस तो बाद अगले पावांगे। हम देखो वधिया तरह पीस चुके ने। ऐसे मिश्री पा रही हाँ एक टुकड़ा, हम कर लेंगे ना ब्लेंड। बाकी तो अमरूद भी मैं पा दूंगी बिच। थोड़ा जो टुकड़ा मैं मछली का होर पा रही हूँ क्योंकि मिठा थोड़ा घट है क्योंकि पानी भी हूँ ऐड हो। आप सारे अमरूदों को ग्राइंड कर चुके हैं, देख सकते हो कितना वधिया पेस्ट बन गया। थोड़ा जहा पानी ऐड करेंगे बच्चे, लवेंगे घोल पानी। तुम सोच रहे हो कि जूस बन के तैयार है, जूस बनना अच्छा हाले टाइम है, हाले सिर्फ आप बेसिक तैयार किया है। हम आप छान लेंगे, बर्फ में पाई हुई है नीचे छान लेंगे। जब तक कणक करना आराम दे, ठीक है, इस करके कि बीज जड़े सारे उत्ते ही रह जाए। थोड़ा जहा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि जूस ना ठंडा ठंडा ही स्वाद लगता है।
कई जड़े होंगे ना जिन्हें दाड़ा दुड़ा खराब होंगे बीज फस जाना दुखी बड़ा करता है। पूरे अमरूद एक ही बी ऐसा होंगे जो पूरे पेट में सैट करके रखता, देख सकते हो किन्ने सारे बी बच के इन मैं झाड़ लाँगी। आज मैं बाकी का बचा हुआ जूस भी छान लाँगी। तो वीडियो लाइक जरूर करते करो, शेयर करते करो, नाल कमेंट जरूर करया करो, भावें वीडियो पसंद आई भावें नहीं पसंद आई कमेंट जरूर करना, तो सारे के कमेंट अप्रूव होंगे ने। वीडियो पूरा वॉच करया करो। लो जी सारे बीज जड़े छाने गए, ठीक है। जो आप जूस लिया मिठा भी होंगे फिका भी होंगे, और लोग मिठा इस करके पाना पैंता, जो तेरे को मिश्री ना हो तो चीनी भी पा सकते हो, तो चीनी वैसे फैट लिया है, बाकी कोई वो तो मर्जी है चीनी पानी है कि मिश्री पानी है, ठीक है। थोड़ा जहा पतला होर करा मैं जूस में, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं ना होंगे है, पतला होंगे जूस। हम जूस तुम अमरूद का जूस तो घर बनाया करो, क्योंकि ऐसा होंगे कि जो आप मार्केट तो चीज लिया हम दुकानदार है जो वो गले हुए अमरूद क्यों सुटेगा, हम जो मान लो किसी का फायदा हो रहा है वो क्यों सुटेगा, हम सूँ की पता वे साफ पी साफ है कि नहीं है या वो सूडिया तो नहीं पीसे हुए हैं। इस करके जो भी बनानी ना कोई भी चीज़ तो बच्चे घर बना के दो, मार्केट तो घट चीज़ा लियाओ। अजकल गर्मी का टाइम है नाले कुछ तो पता ही वायरल चलता पे, इस करके जिनी सेफ्टी हो सके ना बच्चे की उन्नी सेफ्टी करो। हम लास्ट में ये फ्लेवर मिलावेंगे यानी कि काला नमक। काला नमक ना मैं ढेलिया वाला हूं ना वो लैके रख लें फिर उन्होंने पीस लें, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें जड़ी नकली आ रही ने, तो इस करके मैं नमक का भी भरोसा नहीं करती, नमक मैं ढेलिया वाला लैके फिर पीसती हूँ। हम 1/3 चम्मच मैं नमक पा रही हूँ, जूस बन के बिल्कुल तैयार है। हम लास्ट च एक जड़ा एक टेस्ट होर चीज़ ऐड होएगी ये, हम फाइनली जूस अपना तैयार हो गया। लो जी हम बहुत बढ़िया हाइजीनिक जूस बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्टी ते हाइजीनिक गुआवा जूस। इन पेरू भी आते ने, वाओ कितना यम्मी लग रहा है ना। एक हम जड़ी चीज़ बढ़िया लगती है ना पहले कह गई हम लेकिन एक मजे गुआवा जूस पींदा नहीं है ना ही मैं दिन मजा ठंड पाउंदा जांदा ना, तो पापा अमरूद नूं भी खा लो बिल्कुल लगता पे मार्केट तो लेके आया, बहुत टेस्टी बने, तुम भी घर जरूर ट्राई करो।